हे गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और लैब टेक्नीशियन की नई पोस्ट के बारे में, जो कि दोस्तों और साथ ही साथ में यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ में काफ़ी ठीक ठाक सैलरी भी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर दोस्तों लैब टेक्नीशियन की पोस्ट आपको दिख रही होगी, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है। BSc MLT आपसे मांगी गई है, जिसे अपन BSc MLT आपसे मांगी गई है। साथ ही साथ में सीनियर सेकेंडरी आपकी विद साइंस सब्जेक्ट से होनी चाहिए। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी अगर आपकी है तो भी चलेगा। और यहाँ पे अगर आपकी DMLT है तो 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे जो एज लिमिट की है वो 18 से लगा के 25 के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और यहाँ पे फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी है, साथ ही साथ में ANM की वैकेंसी है और मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिली। अब दोस्तों ये वैकेंसी जो निकली है वो निकली है दिल्ली की तरफ से, दिल्ली के अंदर ये वैकेंसी निकली है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर दिल्ली के ऊपर वैकेंसी लाइए, तो ये दिल्ली की वैकेंसी निकली है जो कि दोस्तों NRHM की वैकेंसी है। NRHM आपको पता ही है, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ये वैकेंसी है। यह एक कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है लैब टेक्नीशियन की, तो ऐसे में आपको दिख रहा होगा। पर इसके अंदर काफ़ी ठीक ठाक सैलरी आपको देखने को मिलेगी, 30,000 के आसपास आपको सैलरी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको डिवाइड कर रखी है। SC की 1 पोस्ट है, OBC की 3 है और एक EWS की पोस्ट है। टोटल 5 पोस्ट है और ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल है पूरा, आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो वो है 29/10/2024 को लास्ट 5 बजे तक आप फॉर्म, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो लास्ट टाइम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच। ये आप देख सकते हैं जो भी आपको दिख रहा होगा ये सब डॉक्यूमेंट है जो आपको लगाने हैं और पूरा ही। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और जल्दी से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।